पहली दफायों ऐसे मिली तू बन गई दिल की धड़कन। दिल का ये मामला नाजुक पड़ा है संभाले रखना। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवे। भगवान कितनी देर हो गई, ये फोन क्यों नहीं करता है? पता नहीं कहाँ मरा पड़ा रहता है, समझ नहीं आ रहा है। हेलो, कहाँ पर हो तुम? कितनी देर हो गई, फोन नहीं उठाना होता? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या अब तुम नहीं आओगे? क्यों, ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। हेलो हेलो हिमांशी, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो बोल रहा वो नहीं आएगा क्योंकि उसको कोई और मिल गई है, उसने मना कर दिया अब आने से। वो ऐसा कैसे कर सकता है यार, सुन कैसे कर सकता है? वादे किए मुझसे वो हर एक लड़की से करता था, जो वादे किए मुझसे हर एक लड़की से करता था, पैसे और जिस्म के लालच में वो रोज प्यार बदलता था। मैंने तो हर वक्त उसके दिल में ही दिमाग देखा, हाँ मैंने उसका कैलकुलेशन वाला लव देखा। जी हाँ, दुनिया में रहते हो क्या होता है इस दुनिया में प्यार क्या बन गया, एक टाइम पास बन गया, जहाँ पे प्यार को प्यार की नज़र से नहीं देखा जाता, स्टैंडर्ड की नज़र से देखा जाता है। प्यार की असली भाषा क्या है? प्यार की असली भाषा ये होती है कि हम अगर किसी को प्यार करते हैं तो सिंसियरिटी से उसे करना चाहिए। मतलब अगर हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हमें उसे सिंसियरिटी से निभाना चाहिए। अगर हम उस रिश्ते को नहीं निभा सकते तो हमें उस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो उसे बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्टोरी मैंने अभी आपको दिखाई वो एक रियलिटी बेस है कि कैसे एक लड़की कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गई। वो पहले किसी को पसंद करती थी, उस लड़के ने उसे स्टैंडर्ड की वजह से छोड़ा, फिर वो बहुत रोई, और उसके बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी तब वो मंदिर में रो ही रही थी, और जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं तभी समझ गई थी ये तो प्यार वाला ही लफड़ा है। फिर हमारी दोस्ती हुई और आज वो दिन है कि भगवान ने उसे इतनी बुद्धि दे दी है कि वो डेली 8 राउंड्स करती है और भगवद गीता पढ़ती है। तो ये सब भगवान की वजह से हुआ कि मतलब वो अपनी लाइफ बदल ली। ये जो दुनिया सृष्टि ये जो देखते हो ये है क्या? टेम्परेरी है। इस दुनिया में भगवान ने हर चीज़ बनाई है जो कि टेम्परेरी है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। जो परमानेंट है उसके पीछे नहीं भागते हैं। परमानेंट कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और उसकी भक्ति ही परमानेंट है। उसको छोड़ के आप दुनिया जहान के लोगों के पीछे भागते हो, जो अंत में आपको आके क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या था। अब ये बात अगर यदि उनके माँ बाप को पता चलता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा होता है, उनके माँ बाप को बता देते हैं कि हाँ आपका बच्चा तो गलत रास्ते पर चलता है, तो फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे मेरा बेटा तो राम है, मेरी बेटी तो सीता है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? हम इतने अंधकार में जी रहे हैं कि हम सही और गलत का जजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैं अब आपको एक भगवद गीता के श्लोक से इसका अर्थ समझाती हूँ। मता परंतरम ना अन्य किचित असि धनंजया मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगढ़ा ईवा। भगवान कहते हैं मेरे से अन्य कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार एक माला एक धागे में पिरोई रहती है, उसी प्रकार ये संसार मेरे से दूर नहीं रह सकता। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये माला है, मैंने इस माला को तोड़ा तो क्या हुआ, सारे मोती बिखर गए। ऐसी यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे तो हम भी मोतियों की तरह इधर उधर बिखरे पड़े हुए मिलेंगे, और हम वही तो कर रहे हैं।
हम आज इतने दुख में क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान की शरण ना लेके इंसानों की शरण ले रखी है। यदि हम इसी माला में कैद रहते और इसी माला में बंधे रहते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहते, तो भगवान आपको उन लोगों से मिलवाते जो सही होते, और अगर आप किसी गलत इंसान से मिल भी जाते तो भगवान आपको उसे दूर कर देते। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे मैं हूँ ना, सिर्फ मैं के ही जोर में हम लोग रहते हैं। चलो ये भी छोड़ो, भगवद गीता के दूसरे श्लोक से आपको इसका तात्पर्य समझाऊंगी। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवत्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भित है, जो इस बद सत्य को जानता है वो मुझे जरूर प्राप्त करता है। अब हम ये तो जरूर बोलते हैं कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमें भगवान ने बनाया है। क्या हम इसे रियलिटी में एक्सेप्ट करते हैं? कभी नहीं करते। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करते, मानते कि सृष्टि भगवान ने बनाई है और हम भगवान के हैं, तो हम भगवान की पूजा कर रहे होते, हमने भगवान का हमेशा तिरस्कार किया, जिस वजह से आज हम इन मोतियों की तरह संसार में इधर उधर बिखरे पड़े। और संसार में बिखरे होने की वजह से क्या होता है, हमें दुख मिलता है। जब हमें दुख मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे ये सब भगवान ने किया है। भगवान ने क्यों किया है? भगवान ने कुछ नहीं किया, आप खुद भगवान से दूर हो गए हो। कहते हैं ना, जब हम एक माँ बाप के संरक्षण में रहता है बच्चा, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है कि उसे किसी की बुरी नज़र ना लगे, वो किसी के गलत हाथ में ना चले जाए। जैसे ही वो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसकी दुनिया बदलने लगती है, और वो कई बार तो ऐसा होता है वो बच्चा अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। और ऐसे हम क्या करते हैं, है तो हम सब भगवान के अंश, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज में आगे आगे बढ़ते रहते हैं, हम उस ऊपर वाले को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। अब क्या होता है, जैसे हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस दुनिया में हर कोई गलत है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, कोई हमारी कितनी मदद कर लेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो क्या करेगा, हे भगवान ये तो फिर से आ गया। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, कृष्णा, भगवान कृष्ण बोलते हैं जब उनका भक्त प्रॉब्लम में होता है, मेरा डिवोटी प्रॉब्लम में है, चलो कृष्णा मदद करने चलते हैं, ये है हमारे कृष्णा। और ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? चलो ये भी छोड़ते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, अनानशी यच्छन्तो माम ये जना परिपास्यते तेषां नित्येभ्युक्तानां योगक्षेम व्याहम्यहम्। अब क्या होता है, जब हम किस हमारी किसी से बहस हो जाती है, या हमने किसी के पास पैसे रखवाए होते हैं, तो वो बंदा क्या करता है, मैं नहीं लौटाऊंगा तेरे पैसे, तूने क्या किया मेरे लिए। और हो सकता है कभी कभी क्या होता है, हम किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, हम उसे अपनी सारी संपत्ति दे देते हैं। और कभी कभी तो किसी को प्यार करना गलत बात नहीं है, किसी को प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस प्रेम में आकर गलत चीज़ करना वो गलत बात होती है। अब भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम मेरी शरण लेते हो तो मैं तुम्हारी हर वस्तु की संरक्षण दूंगा, हर वस्तु की सुरक्षा करूंगा। जैसे कि क्या करते हैं भगवान, अब दुनिया में क्या होता है, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के जब आप भक्त बनते हो ना, वो आपको यूँ सुरक्षा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने ही नहीं देंगे जो आपको कष्ट देते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? चलो ये भी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा। अब भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं भगवान को तो हम कर्म से जान सकते हैं, नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम ज्ञान से जान सकते हैं, नहीं। अब भगवान को जानने का क्या तरीका है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मुझे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। अब आप कहेंगे सारा दिन पूजा पाठ करते रहे, हमें सन्यासी थोड़े ना बनना है। यहाँ सन्यासी बनने का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रही है भगवान की भक्ति की। एक इंसान एक दिन अच्छा हो सकता है, दो दिन अच्छा हो सकता है, तीन दिन अच्छा हो सकता है, चौथे दिन तो वो गलत होगा, चौथे दिन तो उसे बुरा लगेगा कि मैं किसी के लिए इतना कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्यों इतना गालियाँ दे रहा है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं यदि मेरा भक्त छोटे से छोटा कार्य करता है तो भी मेरा भक्त है। और ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? इस संसार में बंधे रहने से अच्छा है इस संसार में ही रहकर भगवान की भक्ति करके उनके घर चलते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को इज्जत नहीं देनी, ना ही किसी को प्यार नहीं करना, हमें सब कुछ करना है, लेकिन एक नियत में रह के, एक मर्यादा में रह के। क्योंकि अगर आप किसी को इस तरीके से प्रेम करोगे वो ज़रूर सफल होगा, और अगर वो प्रेम सफल नहीं होगा तो आपको कभी गम नहीं होगा। तो हमें भगवान की संरक्षण किस प्रकार मिल सकती है,
उनकी भक्ति के द्वारा। अब भगवान क्या बोलते हैं, भक्तया तो अनन्य शाक्या अहम विदो अहम मे विदो अर्जुना ज्ञातिम दुष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपा। ही अर्जुन, मुझे कैसे जाना जा सकता है, मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर जो सिंसियरिटी आएगी वो एक दिन की नहीं होगी, परमानेंट की होगी। कृष्णा आपको कभी किसी से किसी का बुरा करने नहीं देंगे और किसी को आपका बुरा करने नहीं देंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे भी एक टाइम पे इतना क्रोध आता था और मैं हमेशा उस पर एक्शन दे देती थी। लेकिन अब क्रोध अभी भी आता है, लेकिन अब एक्शन नहीं देती, अब कम एक्शन देती और भगवान के एक्शन का वेट करती। तो ये परिवर्तन कौन लाया, भगवान श्री कृष्णा लाए। और ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा।